नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामकृष्ण और ये हैं गोपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RKG। इस वीडियो के जरिए गोपाल जी मछली बनाने का एक ऐसा विधि बताने वाले हैं। इनका कहना है कि इस विधि से पका करके आज तक मैं भी नहीं खाया हूं, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस विधि को साझा किया जाए, इसीलिए इस वीडियो को मैं आप लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर इस वीडियो को देख करके आप कॉपी करते हुए ऐसा ही तरीके से मछली पकाने का कोशिश करते हैं और आपका कुछ नुकसान हो जाता है तो सारी जिम्मेवारी इनकी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास समय है इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हमारे साथ। मैं नहीं दिखाऊंगा भाई, 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 मेरा भाई। सबसे पहले मछलियों को अच्छी तरह से साफ कर लें। इस तरह से जब भी हमारे घर में मछली बनता है, मुर्गियों के लिए भी दावत का दिन होता है। इसे साफ कर लेने के बाद जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से आप लोग भी अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही करते चले जाएं। इस तरह से मछलियों को साफ कर लेने के बाद इसमें कुछ मसाला मिलाया जा रहा है। चलिए जानते हैं गोपाल से कि इसमें कौन कौन सा मसाला मिलाने वाला है या मिलाया हुआ है। तो गोपाल, इसमें क्या क्या मिलाया है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। लहसुन, मिर्चा, अदरक और सरसों और जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक देंगे और सरसों का तेल। अच्छा, तेल भी डाला जाएगा। तो चलो इस तरीके से, हालांकि तुमने कहा था कि अभी तक मैं नहीं खाया हूँ, ऐसा भी नहीं है, छोटी मछलियों को जरूर मैंने इस तरह से पका करके खाया है। इतनी बड़ी मछलियों को तो आज तक नहीं खाया हूँ। चलो आज तुम्हारा जो रेसिपी है इस तरीके से एक बार खा के देखा जाए कैसा लगेगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से कॉपी करते हुए खाना यानी मछली पकाते हैं और आपका कुछ नुकसान होता है तो मुझे कुछ मत कहिएगा, जो भी कहना है गोपाल जी को कहिएगा, सारी जिम्मेवारी इनकी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं गोपाल जी इसमें सारे मसालों को मिला रहे हैं, ऐसे ही मिलाया जाता है और ऐसे ही आप लोग भी मिलाइएगा। सारी चीजों को मिला लेने के बाद इसका पोटली बनाना है ना, पोटली बनाने के बाद आग में पकाना है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, इसका पोटली बना लेने के बाद आग में पकाना है। अगर आप गैस चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि अलग से आपको लकड़ी का चूल्हा बनाना नहीं है, लकड़ी का ढेर लगा करके आप लोग आग लगा करके उसमें पका सकते हैं। हमारे पास तो चूल्हा ऑलरेडी है, इसीलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें, अंत तक देखिए पकाने के बाद कैसा लगता है खाने में, ये भी हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, समझ गया। ध्यान रखें पोटली को अच्छा से बांधें ताकि आग में खुल ना जाए। ऐसे पत्ते अगर आपके पास हैं तो बहुत बढ़िया, कच्चा पत्ता अच्छा होता है। पोटली को बना लेने के बाद अब अच्छा से बांध लें जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब चलिए चूल्हा के पास चलते हैं, ये पकेगा या नहीं पकेगा ये तो पता नहीं। जैसा कि गोपाल इसीलिए मुझे कहा था कि ऐसा आज तक तुमने भी नहीं खाया है, तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें अंत तक, आप लोगों को पता चलेगा कि सच में ये बहुत टेस्टी लगता है या फिर बेमतलब का हम लोगों की ये मेहनत जाया हो जाती है। चलिए दोस्तों, मैंने कहा था अगर आपके पास लकड़ी का चूल्हा नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास लकड़ी का चूल्हा ऑलरेडी है जिसमें हम लोग धान सिजाते हैं, तो इसे उतारना पड़ेगा, उसके बाद इसमें पकाने की कोशिश करेंगे। जाओ गोपाल उतारो। कुछ देर बाद पोटली को पलट दें ताकि दोनों तरफ से पक जाए।
लगभग 15 से 20 मिनट बीत चुके हैं, अब देखा जाए एक बार ये पका है या नहीं। एक बार चेक कर लो निकाल करके, अगर पक गया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं पका है तो दोबारा उसमें डाल दिया जाएगा। दोस्तों ये हमारा पोटली मछली का निकल चुका है, लेकिन बात है कि पका है या नहीं, एक बार खोल करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से नहीं पका है, पक गया है, खाया जा सकता है। तो चलो निकाला जाए। दोस्तों ये पक चुका है जैसा कि गोपाल जी कह रहे हैं। एक और बार मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर आप भी ऐसा कुछ ट्राई करते हैं और आपका कुछ नुकसान हो जाता है तो मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाइएगा, जो भी कहना है गोपाल जी को कहिएगा। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। देखने से तो लाजवाब लग रहा है दोस्तों, अब खा के ही पता चलेगा कितना स्वादिष्ट बना है ये। तो चलिए दोस्तों आखिरकार इसे टेस्ट करने की बारी आ ही गई। वाह मजा आ गया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं, आपको खाने के लिए तो बुला नहीं सकता, पर आपसे इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो इस ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करके मछली पकाकर ज़रूर खा कर देखें, आपको भी मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, टाटा, हावड़ा, पटना, दिल्ली, कोलकाता, अब जहाँ कहीं भी क्यों ना रहते हो, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सारे लोगों को ये सस्ता और सुविधा एवं स्वास्थ्यवर्धक तरीका मछली पकाने का सबको पता चल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।